तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अमेज़ॉन से अगर आपने कोई भी सामान मंगवाया है और आप उसको वापस करना चाहते हैं तो कैसे आप वापस कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल में जो है ना अमेज़ॉन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, पे क्लिक करके जो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे मेनू का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो है आपको उस प्रोडक्ट को यानी कि उस सामान को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप वापस करना चाहते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक बैग मंगाया था, इसको जो मैं वापस करना चाहता हूँ तो इसको जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको करना क्या है कि थोड़ी सा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर जो है आपको रिटर्न और रिप्लेस आइटम का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। तो ये वाले ऑप्शन पे जो है आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे जो है आपको एक बात और ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि 26 जुलाई के अंदर अंदर जो है मेरे को इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना है। अगर ये 27 जुलाई हो जाता है ना तो ये रिटर्न का ऑप्शन जो है यहाँ से गायब हो जाता है। तो जो इसका लास्ट डेट रहता है उस डेट के अंदर अंदर जो है आपको सामान को वापस करना रहता है। तो सिंपल जो है हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि क्या कारण है कि आप इस सामान को वापस करना चाहते हैं। तो जो भी आपका कारण है इनमें से कोई भी एक कारण जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमको जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छी नहीं लगी है तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट क्वालिटी इशू मैं जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको वापस करना है तो आप भी जो है यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है सिंपल यहाँ पे इस ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है और भी कई ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, पुअर मटेरियल क्वालिटी, ठीक है। कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पर भी जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो हम जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ही जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है दिखाई दे रहा होगा तो इसमें क्लिक करके आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पुअर मटेरियल क्वालिटी जो आपने सेलेक्ट किया है उसी चीज़ को जो है इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए जो है मैं जल्दी से इसी चीज़ को टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों हमने जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूरी चीज़ जो है यहाँ पे टाइप कर दी है। टाइप करने के बाद जो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा तो ये वाले ऑप्शन पे जो आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको दो ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। एक ऑप्शन जो है यहाँ पे ये है कि अमेज़ॉन पे बैलेंस यानी कि वॉलेट में जो है अगर आप पैसा मंगाना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आए तो उसके लिए जो है आपको दूसरा वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिफंड टू बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। ये लिखा हुआ जहाँ पे रहेगा उसी ऑप्शन को जो है आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि इससे जो है आपका जो पैसा रहता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे जो है मैं ये वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप रिफंड टू बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन जो है अगर आप सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे जो है आपको नीचे की तरफ चूज़ बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। तो ये वाले ऑप्शन पे जो है आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं है, मैंने ऐड नहीं किया है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलता है, ये वाले ऑप्शन पे जो आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपको IFSC कोड पता है। तो IFSC कोड होता क्या है, ये जो कोड होता है ना ये आपके पासबुक में जो है देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप अपना पासबुक उठाइए और जैसे ही पासबुक उठाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको IFSC कोड जो है कहीं ना कहीं पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरे को पता है तो मैं जो है यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे IFSC कोड जो है मेरे को डालना पड़ेगा। तो चलिए जो है मैं जल्दी से अपना यहाँ पे IFSC कोड डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अपना IFSC कोड डाल दिया है। कोड डालने के बाद जो है यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके बैंक का नाम आ जाएगा, किस सिटी में जो है आपका बैंक है वो जो है यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका ब्रांच कौन सा है वो भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो है आपको दो बॉक्स जो है देखने को मिल रहा होगा, ये पहला वाला बॉक्स और ये दूसरा वाला बॉक्स। तो दोनों ही बॉक्स में जो है आपको अपना खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर जो है यहाँ पे लिखना रहता है।
दोस्तों यहाँ पे जो है दो बार इसलिए जो है बैंक अकाउंट संख्या पूछता है ताकि अगर आप दो बार भरेंगे तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो खाता संख्या यहाँ पे दो बार लिखा है वो सही है या गलत है। गलत रहता है तो यहाँ पे पता चल जाता है। तो चलिए जो है मैं जल्दी से यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। तो दोस्तों हमने जो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दिया है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद जो है आपसे पूछेगा कि आपका कौन से टाइप का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा अकाउंट है तो आप जो यहाँ पे सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करिएगा, ठीक। अगर आपको पता है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप फिर से जो है इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि फिर से जो है आपको रिफंड टू योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से जो है आपको चूज़ बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट जो कि आपने अभी ऐड किया है वो जो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद जो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा तो ये वाले बॉक्स पे जो आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये पूछता है कि जिस पता से जो है आपने ये प्रोडक्ट को जहाँ पे डिलीवर हुआ था वहीं से जो है आपको इस प्रोडक्ट को देना है यानी कि वापस करना है, तो हमको उसी एड्रेस जो है तो हमको जो है उसी एड्रेस से जो है इस सामान को वापस करना है। तो यहाँ पे एड्रेस जो है आपको सेम रहने देना है। फिर उसके बाद जो है कंफर्म योर रिटर्न का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो थोड़े से जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिटर्न का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद होगा क्या कि जो डिलीवरी बॉय जो इसने आपको सामान दिया था वो आपके घर तक आएगा, आपको फ़ोन करेगा और वो जो है अपना सामान यानी कि जो आप जो सामान रिटर्न करना चाहते हैं उसको वापस लेकर चला जाएगा। और कुछ दिनों के अंदर यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप अमेज़ॉन पे किसी भी सामान को जो है रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।